वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी लेकर आए हैं जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इसको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे इंग्लिश में, वो भी बहुत आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का जो टाइटल है वो है द पावर ऑफ ए स्माइल। ठीक है, यानी एक स्माइल, एक मुस्कान की ताकत क्या है, द पावर ऑफ ए स्माइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ एंड तक बने बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। एक बार एक उदास व्यक्ति था जो हमेशा चिंतित रहता था। दोबारा देखते हैं सेंटेंस को। एक बार एक उदास व्यक्ति था जो हमेशा चिंतित रहता था। तो एक बार एक उदास व्यक्ति था सिंपल यूज है वाद या वर। अभी हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। और जो हमेशा चिंतित रहता था, तो लास्ट में क्या आ रहा है, था। ठीक है, तो ये हो जाता है टेंस पास्ट इंडेफिनिट का। तो कैसे बनाएंगे इसको, एक बार, वंस। एक उदास व्यक्ति था, अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर का यूज करते हैं। तो इसको बनाएंगे हम देयर से, वंस देयर। था, इसके लिए हम लगाएंगे वाज, क्योंकि एक उदास व्यक्ति एक सिंगुलर पर्सन है। वंस देयर वाज, उदास व्यक्ति, सैड मैन। वंस देयर वाज ए सैड मैन, जो, अब यहाँ कंजंक्शन है जो, जो इसके किसके लिए आया है, सैड मैन के लिए। ठीक है, उसके लिए हम लगाया हमने ऊ। हमेशा चिंतित रहता था। अब वैसे तो ये देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। नॉर्मली हमें, वैसे हम ऑल ओवर अगर देखें, चिंतित रहता था तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं इसको वाज का यूज करके भी बना सकते हैं। कैसे, वंस देयर वाज ए सैड मैन, जो हमेशा चिंतित रहता था, यानी हु वाज ऑलवेज, इसको हम पैसिव वॉइस का यूज करके भी बना सकते हैं। हु वाज ऑलवेज वरीड, यानी वाज का यूज किया क्योंकि पास्ट टेंस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चिंतित रहना, चिंता करना, वरी, और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी वरीड। ठीक है, तो एक बार एक उदास व्यक्ति था जो हमेशा चिंतित रहता था। वंस देयर वाज ए सैड मैन हु वाज ऑलवेज वरीड। एक दिन वह एक पार्क में गया और वहां एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। एक दिन वह एक पार्क में गया, गया पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। मुस्कुराते हुए देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वन डे, एक दिन, वन डे, वह, ही, अब गया, गर जाने की इंग्लिश गो, और पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा, यानी वेंट। एक पार्क में, वेंट है या गो, उसके बाद हम लगाते हैं टू, ही वेंट टू अ पार्क। वन डे ही वेंट टू ए पार्क, और एंड, वहां एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा, यानी देखा मुस्कुराते हुए एक बच्चे को वहां। इस सीक्वेंस में अभी सेंटेंस को बनाएंगे। देखा, सी, सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे सॉ। एक बच्चे को, अ चाइल्ड, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग, वहां, देयर। ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हैं देयर ही सॉ, अगर हम देयर को हम पहले भी लगाना चाहें तो ही का यूज हम दोबारा कर देंगे। वन डे ही वेंट टू ए पार्क एंड सॉ ए चाइल्ड स्माइलिंग देयर, और देयर को हम पहले लगाएं तो देयर ही सॉ ए चाइल्ड स्माइलिंग देयर। ठीक है, बच्चे की मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। बच्चे की मुस्कान, द चाइल्ड स्माइल, छू लिया पास्ट इंडेफिनिट है, टच, और टच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टच, उसके दिल को, हिज हार्ट, बच्चे की मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया, द चाइल्ड स्माइल टच्ड हिज हार्ट। उसने महसूस किया कि एक छोटी सी मुस्कान भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। उसने महसूस किया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, और एक छोटी सी मुस्कान भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सकती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन का। ठीक है, तो उसने महसूस किया, ही रियलाइज्ड, पास्ट टेंस है, तो हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ही रियलाइज्ड कि दैट, एक छोटी सी मुस्कान भी, यहाँ भी जो वर्ड आ रहा है इसके लिए हम यहाँ इवन का यूज करेंगे कि एक छोटी सी मुस्कान भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इवन, एक छोटी सी मुस्कान, इवन अ स्मॉल स्माइल,
अब सकती है आ रहा है तो कैन का यूज करेंगे, क्योंकि सकती है प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे कैन का पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे हम, कैन लाना ब्रिंग, ला सकती है कैन ब्रिंग, बड़ा बदलाव ए बिग चेंज जीवन में इन द लाइफ। ठीक है, तो हिंदी का सेंटेंस देखिए, उसने महसूस किया कि एक छोटी सी मुस्कान भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम, ही रियलाइज दैट इवन अ स्मॉल स्माइल कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन द लाइफ। उस दिन से उसने दूसरों के साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, ये भी पास्ट टेंस है, उस दिन से यानी इसको हम कहेंगे फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। ठीक है, उसने ही शुरू करना स्टार्ट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस है, तो इसको लिखेंगे हम स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, क्या करना शुरू कर दिया, मुस्कुराना स्माइलिंग दूसरों के साथ विद अदर्स। ठीक है, तो उस दिन से उसने दूसरों के साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया, फ्रॉम दैट डे ही स्टार्टेड स्माइलिंग विद अदर्स। उसने देखा कि उसकी मुस्कान से लोग खुश हो जाते थे, तो उसने देखा, अब देखा तो नॉर्मली हम देखें तो देखने की इंग्लिश लगाएंगे हम, सी पास्ट टेंस से तो कर देंगे सॉ, लेकिन देखा जाए तो उसने देखा उसकी मुस्कान से लोग खुश हो जाते, तो ये नोटिस करने वाली बात है, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, तो यहाँ पर हम सॉ लगाने के बजाय नोटिस का यूज करेंगे। उसने देखा, ही नोटिस्ड, और ऑब्जर्व का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि उसने ऑब्जर्व किया या नोटिस किया। ठीक है, ही नोटिस या ही ऑब्जर्व कि दैट उसकी मुस्कान से लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि उसकी मुस्कान की वजह से लोग खुश हो जाते हैं, तो इसको हम मेक का यूज करके बनाएंगे, उसकी मुस्कान हिज स्माइल, खुश हो जाते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर मेड, हिज स्माइल मेड किसको, लोगों को खुश करती थी, यानी उसकी मुस्कान जो है लोगों को खुश कर दिया करती थी, तो ही नोटिस ही इज ऑब्जर्व दैट हिज स्माइल मेड द पीपल हैप्पी। तो किस तरह से बनाया हमने इसको, ही नोटिस ही ऑब्जर्व दैट हिज स्माइल मेड द पीपल हैप्पी। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम हो गई, धीरे धीरे इसको कहेंगे हम, धीरे धीरे को कहते हैं ग्रेजुअली। ठीक, उसकी चिंताएं हिज वरीज, WORRIES, ठीक, हिज वरीज कम हो गई, या धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होना शुरू हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं बिगेन टू कम होना, रिड्यूस या डिमिनिश का भी यूज कर सकते हैं हम। देखिए, एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनिम होते हैं, जो हमें सूटेबल लगता है वो हम यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम हो गई, ग्रेजुअली हिज वरीज बिगेन टू रिड्यूस, या हिज वरीज बिगेन टू डिमिनिश। उसने सीखा कि मुस्कान में अपार शक्ति होती है, उसने सीखा ही लर्न, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, क्योंकि सीखा पास्ट टेंस में है, कि दैट मुस्कान में अपार शक्ति होती है, दैट ए स्माइल, यहां हम यूज करेंगे हैज का, ठीक है, क्योंकि ये अपार शक्ति होती है, ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, इसलिए हम यहाँ हैज का यूज करेंगे। वैसे भी जो ए स्माइल जो वर्ड है वो सिंगुलर पर्सन में आ रहा है, तो हम हैज का यूज करने वाले हैं। ही लर्न दैट ए स्माइल हैज अपार शक्ति, इमेंस पावर। ठीक है, उसने सीखा कि मुस्कान में अपार शक्ति होती है, ही लर्न दैट ए स्माइल हैज इमेंस पावर। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, छोटी सी स्टोरी थी, और सबसे बड़ी बात, एक मुस्कान यानी एक स्माइल भी कितनी पावरफुल हो सकती है, हमने इस स्टोरी में देखा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।